देख रहे हैं भीलवाड़ा हलचल और आपके साथ मैं हूं चित्रा राठौर। स्वागत है आपका आज की खास खबरों में। सवाईपुर कस्बे के निकटवर्ती गांव में अचानक एक कुआं भरकर जमींदोज हो गया, जिसमें किसान को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। किसान पुत्र ने बताया कि अचानक आई आवाज सुनकर मनोहर दास मौके पर पहुंचा और देखा तो कुआं जमीन में समा चुका था। वहीं कुएं में पानी की मोटर सहित अन्य उपकरण मलबे में दब गए। वहीं कुएं का पुनर्निर्माण करने में लाखों रुपए की लागत आएगी। पूरा कुआं टूट गया, बिल्कुल सारी चीजें उसमें चली गई है, टेलिया, दाबड़ा, मोटर, चैन कॉपी, इसके पास में चार दीवारी मकान और उसमें स्टार्टर, सारा केबल, सारा अंदर चला गया। बहुत बड़ा संकट आ गया, बहुत बड़ा दुख हुआ, क्या करें। ऐसा ही तो यह है कि अभी कपास की सिंचाई करो और ऐसे ही चने की बुआई करो और गेहूँ की बुआई करो। अब नया कुआं खोदना, नई मोटर लाना और सब कुछ बिल्कुल नया, पहली ABCD से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब क्या करें। पुर कस्बे में मकानों में आई दरारों को लेकर अब पुनर्वास से बचाव के लिए एक पक्ष के लोग जल्द ही दिल्ली कूच करेंगे। उपनगरपुर में रहस्यमय तरीके से मकानों में आ रही दरारों को लेकर कस्बे के दो गुटों द्वारा अलग अलग तरीके से आंदोलन की कमाल संभाली गई है, जबकि इसी मुद्दे को लेकर भाजपा विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी 42 दिनों से कलेक्ट्री के निकट धरने पर बैठे हैं। सभी को इंतजार है प्रशासन द्वारा दी गई 45 दिनों की समयावधि समाप्त होने का। यदि इसके बाद कोई फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन की एक नई दिशा तय की जाएगी। सर्व समाज ने अल्टीमेटम की अवधि समाप्त होने के बाद 16 अक्टूबर को पुर के स्टेडियम में बैठक बुलाई है, जहां तय किया जाएगा कि अगला कदम क्या होगा। वहीं आज धरना स्थल पर जैन श्वेतांबर तेरापंथ महिला मंडल ने पहुंचकर विधायक का समर्थन किया। इस दौरान नीतू ओष्टवाल, विमला रांका, मैना काठोड़ आदि ने भी धरना स्थल पहुंचकर समर्थन जताया। इसी प्रकार वार्ड 27 पार्षद राकेश ओझा, मंडल अध्यक्ष अनिल जैन, बबलू माली, सुनील कोठारी, सत्यनारायण माली वहां मौजूद रहे। वार्ड 37 के मंजू चचानी, पार्षद कन्हैयालाल स्वर्णकार, रमेश राठी, सुभाष सोनी सहित कई कार्यकर्ता वहां उपस्थित रहे। साथ ही वार्ड 5 के पार्षद करण गुर्जर के साथ ब्रजमोहन गुर्जर, राजूलाल गुर्जर आदि ने भी धरने का समर्थन किया। मंगला चौक में करंट लगने से एक बंदर की मौत हो गई। लोगों ने उसकी बैंकुटी निकालकर अंतिम संस्कार किया। आज सुबह शव यात्रा नेहरू रोड स्थित गणेश मंदिर से गौरक्षा दल द्वारा निकाली गई और बाद में उसका अंतिम संस्कार किया गया। वहीं फिल्मी स्टाइल में अपहरण कर फिरौती मांगने वाले बदमाशों को पुलिस ने महज 8 घंटे में कोटा से दबोचे चालक को मुक्त करा लिया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक हरेंद्र महावार के निर्देशानुसार जहाजपुर पुलिस उपाधीक्षक सरदारन चारण के निर्देशन में दो टीमों का गठन किया गया। वहीं पूरी कार्रवाई होने के बाद दोनों अपहरणकर्ताओं को डिटेन कर उनके कब्जे से पिकअप को दस्तयाब किया गया। NH 789 पर स्थित गुंडा ग्राम में एक गाड़ी डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई, जिससे गाड़ी में भरा दूध बहकर सड़क पर आ गया। आसपास के ग्रामीणों ने गाड़ी वालों की मदद की और बचे हुए दूध को सुरक्षित रखवाया। वहीं इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
हरिपुरा के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। जहां पुलिस के अनुसार रविवार रात हरिपुरा रोड पर न्यू ज्योति उद्योग के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। वहीं घायल को 108 एम्बुलेंस में महात्मा गांधी अस्पताल लाया गया, जहां उसे डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। भीलवाड़ा जिले के मंडपिया फीडर उमेदपुरा में बिजली कार्य करने के दौरान करंट लगने से लाइनमैन की मौत हो गई। वहीं शिवलाल को पहले सीएचसी गंगापुर व बाद में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवाकर मामले की जांच कर रही है। गंगापुर में कार्यरत जिसकी 10-11 बजे उमेदपुरा मंडपिया फीडर पर ट्रांसफार्मर पर बिजली का कार्य करते हुए करंट आ गया, जिसकी दौरान इलाज मौत हो गई है। जिस पर हम यहाँ आए, यहाँ पे उसके मृतक के भाई नारायण लाल ने रिपोर्ट दी कि मेरा भाई इसमें लाइनमैन के पद पर कार्यरत हैं, जो मंडपिया फीडर पर कल 10-11 बजे करीब बिजली कार्य कर रहा था, जिसको अचानक करंट लग गया, जिसको इलाज हेतु वहाँ गंगापुर सीएससी लाए, वहाँ से रेफर भीलवाड़ा करने से भीलवाड़ा लेके आए थे, जिसकी मृत्यु हो गई है, जिस पर कार्रवाई जारी। सवाईपुर कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को चोरों ने अपना निशाना बनाया, जहां से चोरों ने कंप्यूटर लैब के ताले तोड़कर कई उपकरणों पर हाथ साफ कर लिया। सूचना पर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पड़लिया थाने से अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं चोरी का पता लगने पर ग्रामीणों ने प्रधानाध्यापक रमेश चंद्र को सूचना दी। सूचना पर प्रधानाध्यापक व सरपंच चंद्र प्रकाश राव मौके पर पहुंचे। चोरी की सूचना मिलते ही ग्रामीण विद्यालय के परिसर में एकत्रित हो गए। सीपीयू, एलईडी और प्रिंटर, कुल 5 आइटम और एक इन्वर्टर। आपको जानकारी कैसे मिली? जानकारी छात्रों ने यहाँ आके देखा तो विद्यालय के कमरे के 2 कमरों के ताले टूटे हुए थे, एक कंप्यूटर लैब का और एक कार्यालय का, और कार्यालय के बाहर का ताला तोड़ देकर अंदर का ताला तोड़ने में चोर सफल रहे। फोर्थ क्लास में नहीं है क्या? फोर्थ क्लास सिर्फ दिन में है, जो छुट्टी में है, और रात्रि को कोई चौकीदार नहीं है। सवाईपुर कस्बे में शरद पूर्णिमा की रात्रि को चार्जभुजा नाथ मंदिर में 56 भोग व 2 क्विंटल खीर का भोग लगाया गया। ग्रामीण कमलेश गुर्जर ने बताया कि मध्य रात्रि को नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विधि विधान पूरी रीति रिवाज के साथ मनाया गया। प्लास्टिक मुक्त अभियान के चलते रविवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पारोली के शिक्षकों व विद्यार्थियों ने कस्बे में सफाई की। शिक्षक नंद किशोर ने बताया कि आज कस्बे में विभिन्न स्थानों पर सफाई कर लोगों को प्लास्टिक मुक्त अभियान की जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि अब हर महीने के दूसरे रविवार को कस्बे में सफाई की जाएगी। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए भीलवाड़ा हलचल। नमस्कार।